चुनावी माहौल शुरू हो चुका है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी हैं। करण मेहरा जी, भाजपा ने आरोप लगाया है कि हिमाचल के अंदर जो है कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है, क्या कहेंगे इसको? यह आरोप नहीं है, यह हत्यारा जो है वो घोषणा कर रहा है कि मैं हत्या करने के लिए तैयार खड़ा हूँ। पिछले 10 वर्षों में भारत में जनता के द्वारा चुनी गई 9 सरकारें बीजेपी पहले गिरा चुकी है। ऑपरेशन लोटस के तहत अब हिमाचल प्रदेश की सरकार भी खतरे में है और जनता को ये तय करना होगा कि उनके द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराने वाले कातिल के वो साथ जाती है या लोकतंत्र में विश्वास करने वाली कांग्रेस के साथ रहती है। ये बहुत ही गहन विषय है। एक तरफ बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है, दूसरी तरफ हमारे किसान खतरे में है, उधर देखिए तो महिलाएं खतरे में है। मणिपुर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से लेकर अंकिता का जिक्र कर लीजिए, हर वर्ग खतरे में है। गौरी लंकेश से लेकर अभिषार शर्मा से लेकर प्रसून वाजपेयी तक ले लीजिए, जजू में लोहिया से लेकर अन्यू तक ले लीजिए। तो कोई सेक्टर, कोई ऐसी चीज, इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो आज खतरे में नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के खूनी पंजे ने हाथ रख दिया है, क्योंकि जिस तरीके से 6 विधायकों को कांग्रेस के यहाँ लाके रखा गया है ऋषिकेश में, साथ में 3 जो है निर्दलीय विधायक हैं और 2 विधायक बीजेपी के उनके पहरेदारी में हैं जिसके साथ साथ उनको यहाँ रखा गया है, तो ये निश्चित है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं 10वीं सरकार को गिराने का जो उनका मंसूबा है वो कर लिया है और लोकतंत्र की 10वीं बार हत्या करने बीजेपी जा रही है। फिलहाल बीजेपी ने कुमार दुष्यंत गौतम ने कहा कि कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं, इसको कैसे देखते हैं? एक दुष्यंत जी को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए और वो शायद ये सोच रहे हैं कि डर गए, हम अंग्रेजों से नहीं डरे, इनसे क्या डरेंगे। किसानों को 750 किसान आंदोलन में मरे और इन्होंने MSP से लेकर जितने वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया। अभी किसान फिर आंदोलन में गए, एक 24 साल के किसान को गोली मार के मारा गया अभी कुछ दिन पहले। प्रजापति समाज के लोग अपनी बातों को लेकर जब दिल्ली जा रहे थे, किस तरीके से मार पिटाई करी है, दिल्ली नहीं पहुंचने दे रहे। आखिर इस लोकतंत्र में हो क्या गया? अगर हम अपनी राजधानी में जाकर अपनी बात नहीं रख सकते हमारे भारत के नागरिक, तो फिर इनमें और अंग्रेजों में फर्क क्या रह गया? मनमोहन सिंह जी का विरोध होते रहा, राजीव जी का विरोध होते रहा, इंदिरा जी का विरोध होते रहा, इस तरीके से कभी किसी समाज की मार पिटाई नहीं करी। लेकिन प्रजापति समाज के लोग जब गए, किसान गए तो किसानों को मारा गया, प्रजापति समाज के लोग गए तो उनकी उनके साथ मार पिटाई करी। आखिर इस देश में हो क्या गया? लोकतंत्र है भी या नहीं? कुमार दुष्यंत को देश के नागरिकों की चिंता करनी चाहिए। जीत हार होती रहेगी लेकिन पहले नागरिकों के जो अधिकार है उनका तो उनका संरक्षण तो करें। अजय जी का कहना है कि पहले बीजेपी को नागरिक की सुरक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।